और अब बात भारत में पीएफआई प्रेमी गैंग का दिल दुखाने वाली खबर। पीएफआई प्रेमी गैंग, भारत के कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के बैन होने के बाद जो लोग छटपटा रहे थे, जो संगठन, जो नेता, जो पत्रकार, जो बड़े बड़े चेहरे पीएफआई के बैन होने के बाद ये कह रहे थे कि बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति की वजह से पीएफआई को बैन कर दिया गया, याद है ना आपको। आज एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी और पता लग गया इरादे क्या थे पीएफआई के। सब अंडरग्राउंड है जो लोग टारगेट कर रहे थे सरकार को कि ये तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए पीएफआई पर बैन। एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी, सब अंडरग्राउंड हो गया। एनआईए के बाद महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट भी आ गई है। अब पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चार्जशीट में जो बातें लिखी गई हैं उसे जानने के बाद आप यकीन मानिए नरेंद्र मोदी सरकार को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू इस संगठन को बैन कर दिया, इसके इरादे इतने खतरनाक। चार्जशीट में मतलब पिछले साल 28 सितंबर को पीएफआई अगर बैन ना होता तो सोचिए क्या होता। सुनिए, महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में लिखा है कि 6 महीने पहले पीएफआई के काडर, ये सब चार्जशीट में लिखा है, पीएफआई के काडर मंसूर खान के पास से एक बुक जब्त की गई थी। बुक का शीर्षक था भारत 2047 इस्लामिक शासन की ओर। इस बुक के पहले पन्ने पर लिखा था कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिसाइज या प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। इस बुक की 5 मुख्य बातें थी। पहली बात, पीएफआई ने देश भर में अपने काडर से घरों में तेजाब, चाकू, बोतलें और दूसरे हथियार इकट्ठे करने के लिए कह दिया था, ये चार्जशीट में है सब। दूसरा, पीएफआई आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी नेताओं की टारगेट किलिंग कराना चाहता था। तीसरा, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्लान था पीएफआई का। 2047 में पीएफआई भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए एससी एसटी और आदिवासियों का इस्तेमाल करना चाहता था पीएफआई, ये सब चार्जशीट में है। चौथा, पीएफआई भारत में पुलिस और न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रहा था। और पांचवा, पीएफआई चाहता था कि कश्मीर, लक्षद्वीप समेत जिन जगहों पर मुस्लिम मेजॉरिटी है उन्हें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने वाली साजिश का हिस्सा होना चाहिए, यह सब चार्जशीट में। पीएफआई के दस्तावेजों में मुसलमानों को भड़काते हुए लिखा गया कि वो अपने घरों में नारियल काटने वाला चाकू जरूर रखें। ये सब चार्जशीट से जब पढ़ा, चार्जशीट में जो बातें निकल कर आई कि घरों में नारियल काटने वाला चाकू रखें, पीएफआई के इरादे बहुत खतरनाक थे, एयर गन रखें, ब्लीचिंग पाउडर रखें, ये चार्जशीट ही है इस वक्त आपकी जो स्क्रीन पर है, ये चार्जशीट है। इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं वो आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे देश में पीएफआई प्रेमी गैंग इस पीएफआई पर बैन लगाने के खिलाफ था क्या, इन चीजों के साथ था वो। इसमें लिखा गया अपने घरों में नारियल काटने वाला चाकू जरूर रखें, पीएफआई, एयरगन रखें, ब्लीचिंग पाउडर रखें जिसकी मात्रा ज्यादा होने से इंसानी त्वचा को जलाया जा सकता है, मुसलमानों को घर में 10 लीटर तेजाब रखने के लिए कहा गया, चार्जशीट, 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, चार्जशीट में लिखा है, डंडे और लाल मिर्च रखने के लिए कहा गया। पीएफआई का प्लान बहुत खतरनाक था, शुक्र है बैन हो गया पीएफआई। अब महाराष्ट्र एटीएस के अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने भी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया था कि भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए पीएफआई ने छोटे छोटे खूनी दस्ते तैयार किए थे जिन्हें सर्विस टीम भी कहा जाता था। पीएफआई के इस खूनी दस्ते का काम अलग अलग तरीकों से अपने दुश्मनों का सफाया करना था। हिंदूवादी नेताओं की टारगेट किलिंग चल रही थी पीएफआई द्वारा, ये बातें एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कही। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कही है कि पीएफआई की इसी सर्विस टीम या खूनी दस्ते ने कर्नाटक में बीजेपी के हिंदूवादी नेता, याद है ना आपको, प्रवीण नेटारू की टारगेट किलिंग की थी। प्रवीण नेटारू, तब प्रवीण नेटारू की हत्या के एक आरोपी जाकिर के परिवार ने कहा था कि वो लोग मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तब देश की कई राजनीतिक पार्टियां, मतलब ये पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है उनके धर्म की वजह से, तब देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जाकिर के परिवार के आरोप को सही बता रही थी। ये खबर दिखाने पर हमारे खिलाफ भी कई शिकायतें की गई थी जिनमें कहा गया था कि प्रवीण की हत्या की खबर मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के इरादे से दिखाई गई, लेकिन चार्जशीट तो अब कुछ और ही बता रही है। लेकिन एनआईए ने अपनी जांच के बाद ये माना, ये कहा था कि प्रवीण नेटारू की हत्या हिंदू समुदाय में डर पैदा करने के इरादे से की गई थी। ये बात देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस कह रही है। वो बात हमने आज से 209 दिन पहले 15 जुलाई को ही देश को बता दी थी।
आज से करीब 7 महीने पहले प्रसाद कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे, मैंने आपको बताया था कि पीएफआई भारत के खिलाफ क्या क्या साजिश कर रहा है। हमने बताया था कि पीएफआई की साजिशें शरिया शासन से शुरू होकर गजवाए हिंद 2047 इस्लामिक स्टेट तक जाती है। हमने आपको बताया था कि पीएफआई आज से 24 साल बाद भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के टारगेट पर काम कर रहा है। ये उस वक्त हमने आपको दिखाया था कि कट्टरता के बारूद पर कैसे है इंडिया, पीएफआई का प्लान क्या है। हमने बताया था कि पीएफआई भारत में गृह युद्ध कराना चाहता है। हमने बताया था कि पीएफआई भारत में गजवाए हिंद चाहता है। इसके लिए पीएफआई हिंदुओं की टारगेट किलिंग के प्लान पर भी काम कर रहा है। इसके लिए पीएफआई के लिए काम करने वाले मुस्लिम युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग तक दी जा रही है। देखिए, पीएफआई 2023 से भारत में डायरेक्ट जिहाद पर काम कर रहा था। पीएफआई को कुछ मुस्लिम मुल्कों से दंगों के लिए फंडिंग आ रही है और अब चार्जशीट ने इस आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। पीएफआई प्रेमी गैंग अंडरग्राउंड हो गया कि अब कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। पीएफआई भारत में शरिया शासन चाहता था। पीएफआई अब लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाना चाहता है। जुलाई 2022 को एनआईए ने फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल भी आपको याद होगा 2022 को एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का टेरर मॉड्यूल बर्स्ट किया था। तब एनआईए की जांच में बातें सामने आई थी कि पीएफआई को तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों से भारत विरोधी फंड मिल रहा है। तुर्की से फंड मिल रहा है, भारत तुर्की की मदद कर रहा है क्योंकि मानवता की बात है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। वैसे पीएफआई की एक सीक्रेट बुकलेट भी मिली थी जिसमें लिखा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश का शीर्षक जो था वो था भारत 2047 इस्लामिक शासन की ओर। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और भारत में नई शुरुआत होगी। 2047 तक ब्रिटिश काल में छीनी गई मुस्लिम सत्ता वापस मिलेगी, ये सब इस डॉक्यूमेंट में था। 2047 तक देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट है। पीएफआई मुस्लिम हुकूमत के लिए अल्पसंख्यक, मतलब उन्होंने ये लिखा था पीएफआई के डॉक्यूमेंट में कि मुस्लिम हुकूमत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, 10% भी मुसलमान साथ दे दें तो डरपोक बहुसंख्यक हिंदू घुटनों पर आ जाएंगे। ये पीएफआई के डॉक्यूमेंट में था और अब चार्जशीट जो आई है महाराष्ट्र एटीएस की, उसने इन तमाम आरोपों को सही साबित कर दिया है। पीएफआई इस्लाम का गौरव वापस आ जाएगा, ये सब आई। आपको उस प्रोग्राम का एक छोटा सा अंश भी हम दिखाते हैं जिसमें हमने पीएफआई की इस्लामिक स्टेट वाली साजिश के खिलाफ खुलासा किया था। ये वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये पीएफआई से जुड़े डॉक्यूमेंट से इनके चार चार फोटो कॉपीज थी। वहां पर जब पता लगा, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लिखा है हेयर कम्स इंडिया 2047, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत 2047 इस्लाम के शासन की ओर, इस्लाम के शासन की ओर इसमें लिखा है। इसमें लिखा गया है 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत में नई शुरुआत होगी। पीएफआई चाहता है 2047 तक मुसलमानों को वो सत्ता वापस मिल जाए जो ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। इसके लिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट देता है। इतिहास देखें तो उसमें लिखा गया है, इतिहास देखें तो मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक थे, हमें राज करने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, वी डू नॉट नीड टू हैव ए मेजोरिटी, पीएफआई इज कॉन्फिडेंट दैट इफ 10% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, ध्यान से सुनिएगा, हमें भरोसा है कि इफ 10% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर से 10% भी हमारे साथ आ जाए, पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कॉवर्ड मेजोरिटी कम्युनिटी टू देयर नीज, अगर मौजूदा 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए तो डरपोक बहुसंख्यक आबादी को हम घुटनों पर ले आएंगे। मुझे, हमने आपको बताया था कि पीएफआई की गजवा साजिश में जो जो लिखा था भारत में कुछ कुछ वक्त पहले हूबहू वही हुआ करता था। पीएफआई चाहता था कि संविधान तिरंगे की आड़ में इरादे छुपाओ, शाहीनबाग में भी ऐसा ही हुआ, तिरंगे की आड़ में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। पीएफआई की बुकलेट में लिखा था कि मुसलमानों को भागने की साजिश ये कहकर डराओ, मतलब कि मुसलमानों को भगाने की साजिश है ये कहकर डराओ। अब सीए विरोधी कानून के नाम पर याद है यही हुआ था कि नागरिकता चली जाएगी। पीएफआई की बुकलेट में ये लिखा था कि बहुसंख्यकों में खौफ पैदा करो, इसी तर्ज पर उदयपुर अमरावती वो तमाम शोभा यात्राओं पर अटैक्स वो सब कुछ हुआ। पीएफआई की बुकलेट में लिखा था कि बार बार इस्लाम खतरे में बताओ,
इसी तर्ज पर देश में हिजाब नमाज लाउडस्पीकर विवाद सब कुछ हुआ। मतलब इस चीज को आप खबर के निष्कर्ष को इस तरह से समझिए कि जो कुछ पीएफआई के बुकलेट में था, जो जो पीएफआई के इरादे थे, लगभग हूबहू वो चीजें हो रही थी। समय रहते पीएफआई को बैन कर दिया गया, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, महाराष्ट्र एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद एक तरीके से इस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी उस पीएफआई प्रेमी गैंग से वो कहा है जो कह रहा था कि पीएफआई पर बैन लगाकर बहुत गलत हुआ।